नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के 55 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो फ्राइडे के दिन एक अपन को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट्स की एक रेंज हमें बनती हुई देखने को मिली थी, जहाँ पे अपन को इंपॉर्टेंट जो लो देखने को मिला था फर्स्ट 15 मिनट्स का, वो 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास देखने को मिला था। लेकिन अगर अपन 920 और 925 वाली कैंडलस्टिक देखें तो एक अपन को कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला, जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और एक बहुत अच्छा हमें इंपॉर्टेंट पैटर्न स्टिक देखने को मिला था फॉर्म होते हुए देखने को मिला था फ्राइडे के दिन, और जैसे ही उसके ऊपर गया यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छा वन वे मोमेंटम अप साइड में देखने को मिला है। अगर अपन इस वाले कैंडलस्टिक के ब्रेकआउट से कैलकुलेट करेंगे तो एक अपन को वन वे मोमेंटम अप साइड का अराउंड 1000 प्लस पॉइंट्स के आसपास का देखने को मिला है। और अगर अपन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, जो कि अपन ने वीडियो में भी डिस्कस किया था थर्सडे के दिन की वीडियो में, जो कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन अपन को देखने को मिली थी, तो अगर इसको अपन कुछ ऐसे मॉडिफाई कर देते फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई पे, अगर अपन इसको कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड करते तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला अराउंड 950 वाली कैंडल से, फिर एक अपन को अच्छे रीटेस्ट के बाद एक वन वे मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में देखने को मिला है। अगर अपन रीटेस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो भी एक अपन को अच्छे खासे पॉइंट्स अराउंड 800 प्लस पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई किए होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम फ्राइडे के दिन देखने को मिला होगा, और फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी के अराउंड 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें देखने को मिली है। तो ये था बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे जो अपन को फ्राइडे के दिन की कैंडल देखने को मिली वो एक अपन को बहुत अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ से जो अपन को इंपॉर्टेंट जो अपन को फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो है पहले ये वाला लेवल, जो कि है 52,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो सीधे फिर जो अपना नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में। डाउन साइड की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपन को ये वाला लेवल देखने को मिला है, जो कि अपन ने पिछले कुछ दिन के वीडियो में डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में भी डिस्कशन किया था कि 51,000 एक अपन को इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला है, और फ्राइडे के दिन भी अपन को इसी सपोर्ट से एक बहुत अच्छी बाइंग कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। अब अगर वापस से इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो एक अपन को यहाँ से एक डाउन साइड में पैनिक सेलिंग वाला मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 50,194 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहां डिस्कस करेंगे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे बुलिश मूवमेंट अपन को कहां देखने को मिलेगी। तो अपसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे बैंक निफ्टी, जो कि अराउंड 52,215 के लेवल के आसपास का। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक अपन को यहाँ से बहुत अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि और ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं पहले चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अपन को बहुत दिनों बाद मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला स्विंग लेवल, जो कि है 52,366 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो सीधे फिर अपना नेक्स्ट टारगेट 52,590 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा यहाँ पे एक अपन को गैप भी पेंडिंग देखने को मिली, तो अपन को यहाँ पे सीधे फिर गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें कि थर्ड टारगेट अपना 52,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि है 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 52,215 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं बेयरिश मूव अपन को डाउन साइड में कहाँ देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे, जो कि है 51,460 का लेवल, या फिर बोल सकते हैं 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 51,340 के लेवल के आसपास का, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपना नेक्स्ट टारगेट 51,140 का लेवल देखने को मिल सकता है। और जो अपना थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 52,215 के लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 51,460 के लेवल ब्रेकडाउन करें,
तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। एक अपन को ऊपर की तरफ एक अपन को अच्छी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है साथ ही साथ 52,215 का लेवल भी ब्रेकआउट करे तो एक अपन को यहाँ से अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा या फिर कोई अपन को अच्छी रेंज बनती हुई देखने को मिले, जैसे कि 50 यूनिट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें एक अपन को अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिले और उस कंसोलिडेशन का जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ इंट्राडे के लिए लेवल्स टेलीग्राम और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।